प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। आज हम करेंगे डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस, कि जब एक सीनियर अपने राइट्स को अपने सबॉर्डिनेट्स को देता है तो उससे हमारे को क्या फायदे होते हैं, उसका वर्कलोड कम होता है और उसका जो ध्यान है सीनियर का केवल जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे इंस्टीट्यूशन के उसकी तरफ उसका ध्यान फोकस होता है। जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, बच्चे सूरज की किरणों को एकत्रित करते हैं लेंस की सहायता से और वो कागज के ऊपर सारी बिखरी हुई किरणों को एक जगह फोकस करते हैं, तो हमें थोड़ी सी देर के बाद देखने को मिलता है कि वो कागज चलना शुरू कर देता है। इट मीन्स जो सूरज की किरणें बिखरी पड़ी थी उनको आपने एक जगह फोकस करके एक बिंदु पे लाकर खड़ा कर दिया तो उनमें अग्नि शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारे सीनियर, हमारे जनरल मैनेजर, हमारे सीईओ अगर अपना ध्यान छोटे छोटे कार्यों से हटाकर इम्पोर्टेंट कार्यों की तरफ फोकस करते हैं तो वो अपनी पूरी एनर्जी उस पर लगा देते हैं और हमारी संस्था दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करती है। इसीलिए अगर आप अपनी संस्था को अच्छे ढंग से एक मैनेजर चलाना चाहता है तो उसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की आदत डाल लेनी चाहिए। इफेक्टिव मैनेजमेंट, एक व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, ऐसे ही हमारा जनरल मैनेजर हर एक एक्टिविटी में, प्रोडक्शन में, सेल में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, सब चीजों का उसे ज्ञान हो, इट कांट पॉसिबल। उसे एक की बजाय दो चीजों का ज्ञान हो सकता है, तो अगर वो अपने प्रत्येक डिपार्टमेंट को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करना चाहता है तो जो भी योग्य है उसका सबॉर्डिनेट होता है जिस एक्टिविटी में, उसको अपने राइट्स देकर उस डिपार्टमेंट को इफेक्टिवली चलाकर अपनी मैनेजमेंट को इफेक्टिव बना सकता है। नंबर दो, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। अगर हम अपने से नीचे के लोगों पर विश्वास करते हैं, उनको कार्यभार सौंपते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, उनके अंदर अच्छी आदतें पैदा करते हैं, उन पर फेथ करते हैं, तो अपने आप जो हमारे कर्मचारी हैं उनका जो दिमाग है वो विकसित हो जाता है और हमारी संस्था के लिए वो एक अच्छे दिमाग का यूज़ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति खाली बैठा रहेगा तो वो अपने दिमाग का मिसयूज करता है और यदि आप उसका ध्यान उसके ऊपर काम डालकर एक फोकस कर देते हो, उसको कोई करने के लिए काम दे देते हो तो वो उस पर पूरी एनर्जी लगाकर आपके लिए एक अच्छा व्यक्ति सिद्ध होता है और उसका अपना दिमाग भी विकसित होता है। मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। जब जब किसी भी संस्था में एम्प्लॉयर जनरल मैनेजर के द्वारा अपने नीचे के लोगों को कार्य सौंपा जाता है तो इसका सीधा अर्थ है उन्होंने बिना पैसे दिए अपने कर्मचारियों को कार्य के लिए प्रेरित कर दिया। हमारे जो कर्मचारी होते हैं वो दो तरह से मोटिवेटेड होते हैं। एक तो तब जब हम उनको किसी भी प्रकार का मुद्रा के रूप में, पैसे के रूप में इंसेंटिव देते हैं। आपने किसी भी अपने नीचे के व्यक्ति की वेजेस और सैलरी में इंक्रीमेंट लगा दिया तो उससे तो वो मोटिवेट होंगे होंगे, परंतु हमारे सबॉर्डिनेट ने अच्छा काम किया, हमने बिना पैसे दिए ठीक समय पर उसकी पीठ को थपथपा दिया,
तो भी वो हमारे कर्मचारी मोटिवेटेड होते हैं। ऐसे ही सीनियर जब अपने कर्मचारियों को राइट्स देता है, कार्यभार सौंपता है, तो वो अपने आप को उसी दिन महसूस करता है कि मेरे बॉस ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे ये कार्य दिया है, मुझे अच्छी तरह से इसको निभाना है। तो ही इज मोटिवेटेड एंड ही इज डेडिकेटेड फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड रिजल्ट्स जो होंगे आपके इंक्रीज होंगे। फैसिलिटीज ऑफ द ग्रोथ, अगर आप अपनी इंस्टीट्यूशन में ग्रो करना चाहते हैं तो आपके जो सबॉर्डिनेट है उसको अब आपने ऊपर का काम करने के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर कर रखा है, तो आप उन्हें उच्च श्रेणी का काम सौंपेंगे, वो इमीडिएटली संभाल लेंगे। एक यहाँ पर हम कहानी सुनाते हैं। अब मिस्टर एक्स है, उसका बेटा है, वो अपने बेटे को पढ़ाई के साथ साथ दुकान पे भी बुलाता है, बिजनेस की एक्टिविटीज भी समझाता है, परचेज करना भी समझाता है, सेल करना भी समझाता है, एक्सपेंसेस को कैसे डील करना है, प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है, सेल को कैसे प्रमोट करना है, ये सारी बातें उसको साथ साथ समझाता है। अब उसके पिता किसी टाइम काम करने के लायक नहीं रहते, बीमार पड़ जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, तो वो बेटा तुरंत अपने पिता के बिजनेस को संभाल सकता है क्योंकि वो पहले से ही ट्रेंड है। ऐसे ही हमारी इंस्टीट्यूशन में अगर हम अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रमोट करना चाहते हैं मिडल से टॉप लेवल पर, तो इमीडिएटली हम उनको प्रमोट कर सकते हैं और वो उस डिपार्टमेंट में एकदम फिट हो जाते हैं क्योंकि उनको वो काम आता है। इसके बाद होता है बेसिस ऑफ द मैनेजमेंट। हर जो हमारे सीनियर हैं वो फोर एवर तो रहेंगे नहीं, कभी ना कभी तो रिटायर होंगे, कभी ना कभी तो उनकी डेथ होगी, तो उनकी योग्यता का फायदा तभी उनके नीचे रहने वाले उठा सकते हैं जब वो सीनियर अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करते हैं और उनके दिमागों को डेवलप करते हैं। तो उनके अंदर एक अच्छी आदत है जनरल मैनेजर्स के अंदर कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को पहले से ही मेंटली प्रिपेयर करता है। बेटर कोऑर्डिनेशन, जब जब किसी भी इंस्टीट्यूशन में सीनियर अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करता है, उसको राइट्स देता है, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, तो दोनों के बीच में एक मधुर संबंध पैदा होते हैं। इंस्टीट्यूशन में जो प्लानर्स होते हैं, सीईओ टॉप लेवल में जो लोग बैठे होते हैं और जो नीचे तक के सुपरवाइजर काम करते हैं, उनके बीच में अगर कोरिलेशन बन जाए, कोऑर्डिनेशन बन जाए, तालमेल बन जाए, तो वो संस्था दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करती है। इसलिए डेलीगेशन एक बहुत ही मैनेजमेंट का अहम रोल है, परंतु इसमें फिर से मैनेजर को डेलीगेशन प्रोसेस को अच्छे ढंग से करना आना चाहिए कि उसे अपने सबॉर्डिनेट्स को वही अधिकार देने हैं जो अधिकार उनके लायक है, और जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो सारे अपने पास रखने हैं। ऐसे राइट्स ज़्यादा मात्रा में नहीं देने हैं और ना ही कम मात्रा में देने हैं। इस प्रोसेस को ध्यान में रखकर अगर वो डेलीगेशन करता है तो उसका डेलीगेशन इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। दैट्स ऑल, बस।